Hello student, today welcome to my channel. Today we are going to discuss a best trick. किसका डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक बेस्ट ट्रिक जो कि हमको एग्जाम में पूछे गए, तो इसको हम कैसे इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं इसका इसका वैल्यू. इसको हमको रटना नहीं है, इसका फॉर्मूला जो होता है कुछ स्टूडेंट होते हैं उसको रटते हैं यानी याद करते हैं, याद में एग्जाम सेंटर में जाकर भूल जाते हैं. इसको हम कैसे वॉलेट करके इसका वैल्यू निकाल सकें, तो चलिए देखते हैं इसका वीडियो क्या है. तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, पहला जो है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, दूसरा जो है डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स है, तीसरा जो है टेन इनवर्स एक्स है, ऐसे कुछ सारे ऐसा इन्वर्टिंग का फंक्शन है. तो पहला जो है इसका हम वैल्यू निकालेंगे, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, मान लो यहाँ पर y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x है. क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x है. अब क्या करना है हमको, दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड साइन, यहाँ भी साइन मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी साइन मल्टीप्लाई करना है. ऐसे मैं दोनों साइड क्या किया, साइन मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी साइन मल्टीप्लाई और यहाँ भी साइन मल्टीप्लाई किया. उसके बाद क्या करना है, हम लिख सकते हैं साइन वाई इक्वल टू क्या है? लिख सकते हैं साइन, ये जो है इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइन एक्स, क्योंकि हम जानते हैं ए टू दर माइनस वन यानी ए इनवर्स इक्वल टू होता है वन अपॉन ए होता है, इसी तरह हम इसको लिखा है. तो यहाँ पर साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, अब ये साइन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बन जाएगा. तो उसके बाद क्या करना है, दोनों साइड डेरिवेटिव लेना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स ये क्या बन जाएगा. अब मैं यहाँ पर दोनों साइड डेरिवेटिव ले लूँगा, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स साइन वाई, ऐसे ये बन गया. तो ये क्या आ जाएगा, तो इसको हम चेन रूल में सॉल्व करें तो ये आ जाएगा कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा, और ये हो जाएगा वन हो जाएगा. और इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस वाई, इसी तरह लिख सकते हैं. अब क्या करना है, इसको और भी लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर वाई, ऐसे भी लिखा जा सकता है. तो अब क्या करना है, ये जो वाई है वाई इक्वल टू क्या है, हम पहले से लिए हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ, इसको लिख सकते हैं वाई क्या जाएगी साइन इनवर्स एक्स, और ये जो है इसको इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन वाई इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर साइन वाई इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है. इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर. इसी तरह हम इसको भी निकाल सकते हैं, चलिए इसका कैसा इवैल्यूएशन होता है देखते हैं. वाई इक्वल टू क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है. अब क्या करना है, यहाँ पर कॉस है इसीलिए हमको दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई करना है, कॉस मल्टीप्लाई करना है, कॉस वाई इक्वल टू कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स. अब क्या लिखें, कॉस वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस इंटू वन अपॉन कॉस एक्स, ऐसे इसी तरह इसको इस टर्म को हम ए टू द्वारा माइनस फॉर्म में है, इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन ए, ऐसे भी लिख सकते हैं. ये कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कॉस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स बन जाएगा.
तो अब क्या करना है, इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे, ये इम्पोर्टेंट है, इस ये इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। कॉस वाई इक्वल टू क्या है, एक्स है। अब क्या करना है, इसको दोनों साइड, इसके दोनों साइड हम डेरिवेटिव लेना है, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स में। डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ कॉस वाई इक्वल टू लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इसी तरह लिख सकते हैं इसको, इसका डेरिवेटिव लेना है। अब ये क्या बन जाएगा, अब इसको हम बना सकते हैं, पर इसको चेन रूल में कन्वर्ट करते हैं। पहले कॉस वाई अपॉन डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये क्या बन जाएगा, ये वन बन जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन वाई, क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस साइन वाई। अब ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन। अब क्या करना है, ये जो टर्म है, इस टर्म को हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं वन अपॉन माइनस साइन वाई। ये माइनस साइन जो है यहाँ पर ऊपर ले आना है, डी वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन साइन वाई, क्या लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन साइन वाई। वाई के जगह हम कॉस इनवर्स पुट कर देंगे और इसको हम एक फॉर्मूला बना देंगे डी वाई, इसको हम और एक स्टेप बढ़ा देते हैं, तो इसको हम लिखते हैं माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इसको हम डेरिवेटिव ऑफ ये वाई इक्वल टू वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, और वन अपॉन ये जो है यहाँ पर कॉस स्क्वायर वाई है, कॉस वाई इक्वल टू क्या होता है, एक्स है, तो यहाँ पर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, ये माइनस है ऊपर पर, माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह हम ये जो फॉर्मूला है इसको हम निकाल सकते हैं। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना। अगर इस वीडियो देखना चाहते हैं, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। प्लस